शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजभवन के बाहर कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ का आंदोलन किया गया। साथ ही इस समय केंद्र सरकार का विरोध कर सत्ता का दुरुपयोग करके राजनीति खेल रही है, यह आरोप भी लगाया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा राजभवन के बाहर आंदोलन कर केंद्र सरकार का विरोध किया गया। आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने किया था। साथ ही कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल को एक बयान भी दिया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा राजभवन के बाहर आंदोलन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार का विरोध करते हुए संविधान बचाओ के नारे दिए गए हैं। आंदोलन है इस राज्य में नहीं, पूरे देश भर में सारे जितने राज्य हैं वहाँ के सभी गवर्नरों को राज्यपालों को ये निवेदन दिया जा रहा है कि आज तक के इतिहास में जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से आज तक 6 वर्ष पूरे 2014 तक इस देश में चुनी हुई सरकारों को इस जनता ने अधिकार दिया हुआ है शासन चलाने का, जनहित में काम करने का। लेकिन जब से 2014 से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, इस सरकार ने इन राज्य चुनी हुई सरकारों में तोड़फोड़ करने का काम, लोकतंत्र के हत्या का काम ये करने जा रही है कि चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ऐसे कई राज्यों में इस तरह काम भाजपा की केंद्र सरकार ने पैसे के बल पे, अपनी ताकत के बल पे, इस सहकारी एजेंसियों के बल पर ये काम किया है। राजस्थान में जिस ढंग से वो हमारे मुख्यमंत्री गहलोत जी के पास, अशोक गहलोत जी के पास जितना बहुमत है, उस बहुमत को भी छेड़छाड़ करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जनता कोरोना से त्रस्त है, उसी तरह केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, सरकारों को गिराने में मस्त है। हमारा राज्यपाल से निवेदन है कि राजस्थान के राज्यपाल ने आदरणीय अशोक गहलोत जी को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, उनको विधानसभा सत्र शुरू करने के लिए परवानगी दे, उनको परमिशन दे, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना के साथ लड़ाई चल रही है, ऐसे कई बिल पेंडिंग है जिसको पास करना है, पर राज्यपाल महोदय उसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं। उसी विरोध में पूरे देश में सभी राज्यों में सभी राज्यपालों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये निवेदन दिया जा रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम लोकतंत्र को छेड़छाड़ करने का, उसकी हत्या करने का यह प्रयास बंद करें और जनता के चुनी हुई सरकार को चलने दिया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश के अनुसार यह आंदोलन कांग्रेस के नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया। इस दरमियान राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया गया है, जिसमें देश में जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई और अब राजस्थान में जिस तरह से माहौल भाजपा बना रही है, इसका निषेध करते हुए यह ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया। आम्ही कांग्रेस पक्षाच्या वतीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीच्या आदेशानुसार आज या ठिकाणी धरना कार्यक्रम आयोजित केला आणि तदनंतर आमचं शिष्टमंडळ नागपूर ग्रामीणचे अध्यक्ष राजेंद्र मोळक आणि शहराचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांच्या सहित आदरणीय सतीश बाबू चतुर्वेदी जी, आदरणीय गेवावारी जी, माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी सुनील केदारजी यांच्या सहित जाऊन भेटलेलो आहोत आणि त्यामध्ये देशात या पद्धतीने आज पहिल्यांदा मध्य प्रदेशची सरकार पाडण्यात आली, त्यानंतर आता राजस्थानकडे ज्या पद्धतीने काम करण्याचं कार्य भाजपाचे शीर्षस्थ नेते आणि प्रधानमंत्री या ठिकाणी करतायत, त्याचा निषेध त्या ठिकाणी आम्ही नोंदविला। आणि भारत हा देश एक संवैधानिक देश आहे, या देशामध्ये जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहे आणि ते लोकशाही टिकवण्याचं काम कोणतेही सरकार असो केंद्रामधलं त्यांच्याकडे असतं आणि खास करून राष्ट्रपती महोदयांकडे ते भारतीय संविधानाची सुरक्षा करण्याचं काम असतं। आपण आमच्या भावना महामहिम राष्ट्रपती महोदयांपर्यंत पोहोचवाव्यात की आम्ही या देशामध्ये सुरक्षा चाहतो आहोत, या देशाचं संविधान बरकरार राहिलं पाहिजे आणि जे काही लोकशाहीने निवडून आलेले प्रतिनिधी आहेत
त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे, या सर्व बाबींमध्ये त्या ठिकाणी आम्ही सर्वक चर्चा केली। त्यांनी सांगितलं की तुमचं निवेदन मी निश्चितपणे राष्ट्रपती महोदयांकडे पाठवील, एवढं त्यांनी सांगितलं आणि आम्ही या ठिकाणी आता आलेलो आहोत। मला वाटतं देशातली जी आजची स्थिती आहे, राजकीय परिस्थिती, ती अत्यंत स्फोटक झालेली आहे आणि या स्फोटक परिस्थितीमध्ये जोपर्यंत भारतीय संविधान हा पूर्णपणे मानला जात नाही, त्याचे तुकडे करण्याचा किंवा त्याला छिन्न विछिन्न करण्याचा जो प्रकार या देशामध्ये होतो आहे तो प्रकार निषेधार्ह आहे आणि त्याला थांबवणं अत्यंत गरजेचं आहे, यासाठीचं हे आंदोलन आहे। असं काही नाही, मुख्यमंत्री हे जे पद आहे हे संवैधानिक पद आहे आणि मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत। आज त्यांचा 60वा वाढदिवस हिरक महोत्सव, मी त्यांना या प्रसंगी शुभेच्छा देतो, त्यांचं उदंड आयुष्य त्यांना लाभो, त्यांना उत्तम स्वास्थ्य लाभो ही मनोकामना व्यक्त करतो। खरं जर आपण पहा, मला जर विचारलं तर महाराष्ट्रातल्या भारतीय जनता पक्ष जे आहे यांच्या तृष्णेला कुठेही थारा नाही आणि तृष्णा असावी, राजकीय तृष्णा प्रत्येकामध्ये असते की आम्हाला काही मिळाली पाहिजे, पण सत्ता महाराष्ट्रातनं गेल्यापासनं यांच्या मनात जी खदखद आहे की आम्ही पुन्हा सत्तेत कसे येऊ, ही तृष्णा त्यांना केविलवाणी बनवते आहे। खरं पाहिलं तर या करोना महायुद्धाच्या या काळामध्ये महाविकास आघाडीच्या सरकारने उत्तम असं काम या ठिकाणी केलेलं आहे आणि सर्व संपर्कात आहेत, मुख्यमंत्रीसुद्धा प्रत्येक आमदारांच्या संपर्कात आहेत, प्रत्येक मंत्र्यांच्या संपर्कात आहेत, तिन्ही पक्ष आपापल्या परीनं त्यांना सहकार्य करतात। अशा परिस्थितीमध्ये चुका शेवटी माणसांकडून घडतात, परंतु सरकार म्हणून या ठिकाणी यत्किंचितही चुका होत नाही आहेत हे मी आपल्याला आवर्जून सांगेल। आणि त्यांनी कितीही म्हटलं, पोटतिडकीने म्हटलं आणि ओढूनही सांगितलं आणि किती सत्तेची लालसा त्यांच्या मनात असेल तरी महाविकास आघाडीचं सरकार या ठिकाणी कोलमडणार नाही, ते पुढील 5 वर्ष या ठिकाणी टिकणार आहे। इस वक्त काँग्रेस नेता राजेंद्र मुळक, सतीश चतुर्वेदी, दुर्ग विकास मंत्री सुनील केदार, विधायक विकास ठाकरे प्रमुखता से उपस्थित थे। आंदोलन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है, साथ ही कांग्रेस का आंदोलन देख कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि शहर में कोरोना की स्थिति है। आए दिन शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आंदोलन के दौरान डिस्टेंसिंग की नियमों को ताक पर रख दिया गया था। रैपर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, NBC News नागपुर।